बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव वनांचल क्षेत्र के दौर पर निकले और कई कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां ग्रामीणों एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। बता दें कि सर्वप्रथम वनांचल के सातधार पहुंचकर वन संसाधन एवं पेशा अधिनियम पर एक दिवसीय जिला स्तरीय सम्मेलन में शामिल हुए। तत्पश्चात ग्राम लोहारी एवं कोपेकसा के आभार रैली कार्यक्रम में पहुंचे एवं ग्राम मदनपुर में आयोजित भागवत कथा के आयोजन में शामिल होने के पश्चात रामपुर में आयोजित दो दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर ग्राम फुलकर्रा पोटिया और बारूला के आभार रैली कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान विधायक ने सभी ग्रामीणों की समस्या भी सुनी और बहुत जल्द निदान का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर विधायक के साथ कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। विशेष पिछड़ी जनजाति का क्षेत्र लोग क्षेत्र है और आभार के लिए हम पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं। पिछले 15 सालों में जिस प्रकार से जिन भावनाओं के साथ यहाँ विकास होना चाहिए था, यहाँ के मूलभूत सुविधा का विकास होना चाहिए था, पिछले 15 सालों में बीजेपी की सरकार के में जो बैठे काबिज विधायक थे इस क्षेत्र में नज़र उठा कर नहीं देखे। आज यहाँ मूलभूत सुविधा की काफ़ी संभावना और उसका विकास होना चाहिए, उसके ज़रूरतमंद लोगों का विकास होना चाहिए। निश्चित रूप से इस क्षेत्र का उसका लाभ मिलेगा और जो उनका मूलभूत सुविधा है, मूल अधिकार है उसका, और विशेष करके देव स्थल जैसे जगह का वो यहाँ पर जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है। निश्चित रूप से उन भावनाओं को लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह है और उत्साह के साथ काफ़ी यहाँ पे स्वागत सत्कार के माध्यम से पता चला और हम आभार भी व्यक्त करते हैं कि काफ़ी लीड दिलाए इस क्षेत्र के लोगों ने। बिल्कुल निश्चित रूप से विशेष पिछड़ी जनजाति के साथ साथ वनांचल में जितने लोग रहते हैं यहाँ, उन लोगों का जो अधिकार वन अधिकार से संबंधित प्रकरण है वो भी आ रहे हैं। इन समस्या का समाधान प्रशासनिक अधिकारी से मिलकर के बात करेंगे और उस समस्या का समाधान का निजात दिलाएंगे। मैनपुर से ईश्वर सिंह यादव की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सीजी विजन टीवी।